नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। रायसेन मध्य प्रदेश में तेंदुए ने किया युवक पर हमला। रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का मामला, नदी में पानी पीने के लिए गया था, अचानक युवक पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर तहसील के घोटी बेहरा ग्राम का मामला, घायल युवक छोटू पिता तिलोक उम्र 16 वर्ष को तेंदुए ने हमला कर दिया। परिजनों ने युवक को सरकारी अस्पताल सुल्तानपुर उपचार के लिए लाए, जहां उसके दोनों पैरों में और हाथों में गंभीर चोटें होने के कारण जिला अस्पताल रायसेन रेफर कर दिया गया, जिसकी सूचना वन विभाग सुल्तानपुर को दी गई। वन विभाग के रेंजर सुरेश कुमार गढ़वाल ने मामले की जांच कर गंभीर को निःशुल्क इलाज करवाने की बात कही। वहीं वन विभाग की टीम ने तेंदुए के फिंगरप्रिंट लेकर आगे की कार्यवाही करने की बात कही है। अगर जांच में तेंदुआ आदमखोर पाया जाता है तो उसे पकड़कर वन विहार या कोई अन्य स्थान छोड़ने की बात कही। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। जंगल गया था। क्यों? मवेशी चराने। किसने हमला करा? मतलब पानी पीने गया था। तो वो बैठा था। कौन बैठा था? जी तेंदुआ। हाँ। तो ये पानी पी लिया था, इसने पंजा मार दिया पीछे, बस और क्या, जे गिर पड़ा और ऐसा खड़ा हो गया तो हाथ में पकड़ लिया, हाथ से छूटा फिर जाम में पकड़ लिया, फिर और क्या, ये चिल्ला पुकार करा इसने, तो फिर वो भग गया और फिर ये आ गया घर। सुल्तानपुर कहाँ से हो आप? सुल्तानपुर आए थे। रहने वाले कहाँ के हो? घोटी बेहरा। घोटी बेहरा तहसील सुल्तानपुर। हाँ, ये भी 108 से एक बालक जिसका नाम छोटे लाल है, उम्र 16 वर्ष, हिस्ट्री ऑफ एनिमल बाइट लियोपार्ड बाइट के थ्रू हमारे पास जिला अस्पताल रायसेन में इलाज के लिए लाया गया, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने इसको भर्ती किया है। ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे आसपास से आया था पेशेंट हमारे पास। तेंदुआ हमला करा हुआ है कैसे? जी जी, तेंदुआ का है, मेनली उनके जो साथ वाले थे उन्होंने बोला था कि सर इसको तेंदुए ने काटा है। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शैलेंद्र झारी, सर्जरी।